दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्सप्लोरर कमांडर कोच, बुद्धा सेंटर सेंटर बिहार से नालंदा। अभी हमारे पास बुद्धा सैनिक में, जो कि बिहार से नालंदा जिले में है, अभी टारगेट मैच चल रहा है। टारगेट मैच का मतलब क्या हुआ कि 15 दिन में हम लोग कितना ज्यादा वर्कआउट कराएं और 15 दिन सेम चीज जिस तरीके से एग्जाम में होता है। अभी देखिए, दिन के 11:10 हुआ है, अभी हम लोग ग्राउंड में आए हैं और अभी से इनका कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम कम से कम 2 से 3 बजे तक चलेगा। फुल्ली जिस तरीके से दौड़ होता है, पूरा एक एक चीज इनको सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के अभी मेरे पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए बोल रहे हैं कि सर क्या फीस लीजिएगा, आए कि नहीं आए, गारंटी है कि नहीं है। तो हम सीधा बात बोलते हैं, जितना वर्कआउट कराता हूँ कर लीजिएगा, फुल गारंटी है। अब देखिए हमारा काम कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले इन लोगों को 1600 मीटर का वार्म अप दिए, वार्म अप 1600 मीटर का। देख रहे हैं पीछे लड़के लोग दौड़ रहे हैं। सबसे पहला चीज है वार्म अप होने के बाद जब इनका शरीर गर्म हो जाएगा, थोड़ा थकावट फील होगा, इसके बाद इनका कार्यक्रम चलेगा। बहुत सारी चीजें आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बचे दिन में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप लोग भी वार्म अप कर लीजिए ग्राउंड, उसके बाद आपका दौड़ शुरू हो जाएगा। बारो पीछे पीछे अभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने 1600 मीटर का इनका वार्म अप करा लिया है। 10 से 12 मिनट लगा इनको, धीरे धीरे अपने हिसाब से खेलो। अब इनका होगा वार्म अप पीटी। माइकल ठीक है, हम लोग का कमांडो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब तक आदमी थक नहीं जाता है, थकने के बाद जो आप तैयारी होगी वही असली कमांडो बनता है। उसी के हिसाब से हम लोग अपनी फौज को भी तैयार करते हैं। जो मैं सीख करके आया हूँ वही मैं सिखाता हूँ अपने जवानों को। साढ़े पांच मिनट के बाद जो टाइम लगता है, जितने भी लड़के 5:30 मिनट के बाद आते हैं सब इधर, 5:30 मिनट से पहले आने वाले इधर। आप लोग ट्रैक पे, यहीं पे ट्रैक पे सोलह सौ डायरेक्ट। जिसको जूता खोलना चाहिए वो खोले। हाँ भाई, कोई डाउट है? जूता खोलेगा लाइन में। तो देख रहे हैं कि मैंने इनको बिल्कुल आराम नहीं दिया। हाँ, ये 1600 मीटर का जॉगिंग किए, थोड़ा सा पीटी किए, रिलैक्स किए और 1600 मीटर सीधा। यस सर। आप लोग भी सेम रिलैक्स कर लीजिए। जिसको पानी पीना है, ज्यादा प्यास लगा है तो गुड पानी पी सकता है। दौड़ के पड़े फिनिशिंग वहीं पर होगा। जल्दी आइए। देखिए सर लोग जान दो। तो दोस्तों, ये हमारा पहला ग्रुप है लड़कों का, इसको छोड़ के देखते हैं क्या टाइम मिलता है। रेडी गो, सूर्य खींच गए, अंदर हो गए। आप देख रहे हैं एक साइड कोन है और एक साइड दीवार है। ये यहीं पे सीखेंगे कि कैसे लाइन को नहीं काटना है। लाइन काटेंगे आप अच्छा दौड़ेंगे, हाथ पकड़ के सिपाही जी बाहर निकाल देंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए हमारा टारगेट मैच चल रहा है। अगर बहुत सारे लड़के हमें कॉल करते हैं, मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद पे भरोसा रखें और हम पे भरोसा रखें। मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा, किसी प्रकार का दिक्कत है आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। लंबा स्टेप खींच के चलते रहिए।
चल करे यहाँ तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक राउंड हो चुका, कितना लगा एक राउंड में? पहला का 47 सेकंड लगा है ना। तो देख रहे हैं कि लड़कों ने पहला यानी कि 330 मीटर का एक राउंड हमारा, उसमें फर्स्ट जो लड़का आया उसको 47 सेकंड लगा और दूसरा एक मिनट एक छह में ना। ट्रैक छोड़ करके देखिए, हम अपने खिलाड़ियों को धूप में तैयार करें, आर्मी हो, बिहार पुलिस हो, SSGD कोई भी हो, सबको हम धूप में तैयार करते हैं ताकि हमको पता है कि कोई भी संस्था आपको 10 बजे बाद ही दौड़ लेती है। अगर आप उसके हिसाब से अपने आप को जोड़ रहे, बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से कठिन परिस्थिति के लिए तैयार नहीं कीजिएगा तो फेल हो जाएगा। बहुत अच्छे लड़के तैयारी करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर नहीं उठा पाते, कारण कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जो मैं अपने लड़कों में कमी छोड़ना नहीं चाहता। अभी सेकंड मैच जो हमारे वो लड़के हैं जो 5.5 मिनट के बाद दौड़ते हैं, इनका देखेंगे क्या होता है। अब देख रहे हैं कि अब सुबह प्रैक्टिस करते होंगे, सुबह 8 बजे 9 बजे और अभी दिन के 11:30 बज रहा है, चिल्लाना शुरू कर दिया है लोग, वो देखिए उधर बैठ गए सब। और उम्मीद करता हूँ ये सारे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, वेलकम टू बुद्धा, थैंक यू, जय हिंद।